प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस उत्साह प्यार सने के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा विषय रख रहा हूँ, चंद्र शनि ग्रह की युक्ति। कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव देता है, किधर लाभ देता है, किधर हानि देता है, इसको सुनिए। जिसकी कुंडली में लग्न में चंद्र शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, इनकी सोच गंदी होती है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अक्षमातिक धन पाते हैं, बेरोजगार नहीं रहते हैं और स्वयं पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र शनि हो, ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, स्वयं अपनी पहचान बनाने की प्रयास करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, जैसे संगीत, लेखक, साहित्यकार, कलाकार आदि। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, ऐसे लोग का चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ये सरकार से पूजे जाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण हमेशा चिंतित रहते हैं, कभी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, हमेशा विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग व्यापार के द्वारा भी धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को लोहा मशीन संबंधी व्यापार अधिक लाभ करता है और ऐसे लोग ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र शनि हो, ये ऐसे लोग गुप्त धन पाते हैं, अचानक उन्नति करते हैं, अचानक पद मिलता है, अचानक लाभ मिलता है, कम परिश्रम में अच्छा धन, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सफल रहते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं, दानी होते हैं, उदार होते हैं, ऐसे लोग दया धर्म के प्रति विचार रखते हैं, तीरथ करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराने की इच्छुक हो तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। मेरे कुछ नियम हैं, उस नियम को जान जाइए, उस नियम का पालन करेंगे तो मैं विश्लेषण करूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना, इसके बाद मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।